Jelasin gini dong. Nala emang suka gak? Nala itu hacker ya. Jelasin gini dong. निकलेगा मतलब यह पॉइंट पारा बोला पर है और इस पॉइंट का निकालना है
शरीर है, इसलिए फोकल डिस्टेंस सिक्स हो गया। मान लीजिए यह फॉर्मूला आपको याद नहीं है, नहीं याद है तो दूसरा उपाय, नहीं याद है तो दूसरा उपाय, क्योंकि इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना किसके साथ, फोकस के साथ। तो फोकस तो मुझे पता है क्या होता है, फोकस फोकस होता है ए जीरो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, ए का मान तो तीन है और वाई का मान जीरो है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, तीन घटा तीन का स्क्वायर सिक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, फाइनल कितना निकला सिक्स। यही है फोकल डिस्टेंस की कहानी। फोकल कॉर्ड क्या कहता है इसको समझने जरा हम लोग, फोकल कॉर्ड बोलते हैं, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। देखिए रोल नंबर 39 का ज्वाइनिंग अभी हो रहा है, इसके बाद भी कोई ना कोई वजह होगी। एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, एनी कॉर्ड पासेज थ्रू फोकस, कोई भी कॉर्ड, इस पैराबोला में हजार कॉर्ड होते हैं। कॉर्ड कैसे बनता है, कॉर्ड बनता है ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट और पैराबोला। कॉर्ड कैसे बना है, ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट और पैराबोला। क्या बोला है, पैराबोला के किसी दो पॉइंट को, यह पैराबोला है, यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है, कोई भी दो पॉइंट को जोड़ देंगे तो ए भी क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। लेकिन फोकस यहां पर है, लेकिन यही कॉर्ड अगर फोकस से काम करने लगता ए भी कॉर्ड है और यह पॉइंट बी है और यह पॉइंट क्यू है, तो PQ क्या है, PQ कॉर्ड होने के साथ साथ कॉर्ड तो है लेकिन स्पेस है, इसलिए इसका नाम फोकल कॉर्ड गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, फोकल कॉर्ड। और एक पैराबोला में फोकल कॉर्ड एक होंगे या हजारों हजार होंगे, तो हजार हजार होंगे, ये भी तो फोकल कॉर्ड है। आरटी, आरटी भी फोकल कॉर्ड है, यह भी फोकल कॉर्ड है, तो यही फोकल डिस्टेंस ऑफ फोकल कॉर्ड का कॉन्सेप्ट है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। चलिए पेज वन, कल इसको भी चपत खूब लगाए थे, कल खुद में डार करके इसको खूब चपत लगाया गया था, पता है क्यों, ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती अगर हम भी करेंगे तो ये चपत आपको भी लग सकती है। और धीरेन्द्र मिश्रा को परवाह नहीं है कि आप मेरे पास पढ़ेंगे या छोड़ेंगे, मुझे इसकी परवाह कभी नहीं रही है ना कभी रहेगी। आपको पढ़ना है तो हमारे कानून के हिसाब से पढ़ना होगा, हमारे नियम के हिसाब से पढ़ना होगा, हमारे शर्तें मंजूर है तो आप पढ़े, अच्छा छोड़ दें। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारा गुस्सा बहुत तेज है, नालायक लोगों के ऊपर तो खैर मेरा असीमित गुस्सा है, अंत
लिए थे। तो फ्राइडे को जब लास्ट क्लास हुई थी, चूंकि नहीं शनिवार रविवार छुट्टी थी, तो हम इसको पढ़ाए हैं या तो थर्सडे को या फ्राइडे को, हम मुझे ठीक से याद नहीं है, या तो थर्सडे को या तो फ्राइडे को ये मैंने पढ़ाया था। अब यह लौटा है, इस क्वेश्चन को दोबारा पूछ रहा है, कब पूछ रहा है, आज आज तारीख कितनी है, 27 तारीख को ये स्टूडेंट मुझे दोबारा पूछ रहा है। समझ लीजिए बात, अगर ऐसी गलती आप भी करेंगे तो आप भी गुस्से का शिकार होंगे। अगर यह क्वेश्चन बना दिया गया और आपको समझ नहीं आया तो आप इसकी सूचना मुझे साफ कर भेजेंगे ना, ताकि मैं इसको दोबारा पढ़ा दूं। क्यों नहीं पढ़े? अगर आपको होमवर्क अपडेट बनाने का अवकाश नहीं है तो मेरे पास पढ़ना छोड़ दीजिए। एकदम साफ साफ बताइए, आज के होमवर्क को आपको आज ही बनाना है और जितना डाउट है वो आज ही पूछना है, कल नहीं पूछना है। कल पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा, साथ साथ आपको डांट भी मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमें चल रहे हैं आगे, तो ये नालायक रोल नंबर 57 जो है वो मुझसे क्वेश्चन नंबर पूछ दिया 15। हाँ जरूर पूछिए, अगर आपको दोबारा रिवीजन करने में प्रॉब्लम होती है तो जरूर पूछिए, मैं वहां भी बताऊंगा। लेकिन एक बार पहले बता तो ले, आज के होमवर्क को आज ही बनाइए, ध्यान रखिए, यह नालायक लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है। सबसे पहले मैं आज को लिखने जा रहा हूँ अपने आप में जीके है, जीके मतलब फॉर्मूला, और आप फॉर्मूला भी पूछ रहे हैं तो मुझे क्वेश्चन सुन करके सब आता है। यह अपने आप एक फॉर्मूला है, पर उनकी चर्चा कर ले। जैसे क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 35, यह क्वेश्चन अपने आप में जीके है, 35, 46, 50, 54, 56, 57, ये सारे क्वेश्चन अपने आप में जीके है। और जीके का मतलब होता है फॉर्मूला, हमने बहुत सारा फॉर्मूला को या तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मतलब ये सारे आपको याद रखने हैं। ये आपको याद रखना था।
की इक्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी एस वन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज जी के, और जी को भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 46, या डायरेक्ट फॉर्मूला है या डायरेक्ट जी के है या डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 46 देखिए, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द फॉर्मूला एट द पॉइंट ए बाई टी स्क्वायर ऑफ 280 y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस पैराबोला के लिए पूछा जा रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जा रहा है। किस पॉइंट पर a बाई टी स्क्वायर 2a बाई टी, या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y इंटू y1 होता है, r y1 का नाम 2a बाई टी है, यह x1 है और यह y1 है, इक्वल टू 2a गुणा x प्लस x होता था, आज x1 का नाम a बाई टी स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ का 2a, यहाँ का 2a कट गया, यहाँ का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा एलसीएम, t स्क्वायर x प्लस a बाई टी स्क्वायर, f t f t कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए टी वाई इक्वल टू, सवाल नंबर 46 देख लीजिए कितना आंसर आया, टी वाई इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स प्लस ए, टी स्क्वायर एक्स प्लस ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, 46 हो गया, 49 देखिए, इक्वेशन द पॉइंट एट विच द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c टचेज द पैराबोला, याद कीजिए ये मैं पूछ रहा है ना, y इक्वल टू mx प्लस c, यह लाइन पैराबोला को टच कर दे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये क्या है पैराबोला है, यह लाइन पैराबोला को टच करे, टच करने का मतलब होता है टेंजेंट, अरे मतलब टेंजेंट, और टेंजेंट तभी होगा जब, टेंजेंट तभी होगा जब c इक्वल टू a बाई m का शर्त का पालन करेगा, बताया होगा यह सब, यह तभी होगा जब यह शर्त का पालन होगा, दिस इज कंडीशन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बदल जाता था, ये सारी बात पढ़ाई हुई थी, ये सब क्वेश्चन देख करके सिमेट्रिक लगाने वाला पूछने वाला नहीं है, उस समय इक्वेशन का टेंजेंट का नाम बदल जाएगा, y इक्वल टू ax प्लस c का वैल्यू कितना था a बाई m, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, और अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता था, वही पूछ रहा है आपसे, माने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिस समय ये वाला टेंजेंट होगा उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, a बाई एम स्क्वायर और 2a बाई एम, यह जीके है, इसको याद रखना है, पूछना नहीं है, यह जीके है। क्वेश्चन नंबर इसमें आंसर कौन सा होगा, y इक्वल टू mx पर सी टचेज द पैराबोला, उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या, किस पॉइंट पर टेंजेंट निकाला गया, आंसर होगा a बाई एम स्क्वायर और 2a बाई एम, ऑप्शन नंबर ए। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकता है इसमें, एनी डाउट, किसी को नहीं पूछना है, ध्यान रखिएगा मेरी बोली बहुत कड़क है, बोली कड़क है सिर्फ नलायक लोगों के लिए, और लायक की परिभाषा में शामिल है कि आज की पढ़ाई का होमवर्क आज खत्म कीजिए, अगर आपको औकात नहीं है, आपको फुर्सत नहीं है, आप व्यस्त रहते हैं तो मेरी सलाह मान लीजिए, मेरे पास पढ़ना छोड़ दीजिए, आप भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। अरे पेज नंबर 2 रहेगा ना ये, चलिए आगे देखते हैं।
पूछने वाले तो मुझे गुस्सा कभी नहीं आता है, लेकिन होमवर्क अपडेट नहीं बनाने वाले इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले जरा।
गया। और ये देखिए N3 क्योंकि टेंजेंट टेंजेंट ये वाला टेंजेंट एट द पॉइंट A3 और ये वाला नॉर्मल एट द पॉइंट N3 बट नॉर्मल फ्रॉम द पॉइंट P, तो यह तीनों जो नॉर्मल है वो P से है, तो कौन है PN1 PN2 और PN3 नॉर्मल फ्रॉम द पॉइंट इक्वल टू 4x पैराबोला।
उधर ले जाएंगे तो एक के बगल में जो रहेगा वही कहेगा फ्लूक, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस टी हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा माइनस टी, या जी के है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। हाँ, इसमें से किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी कोई डाउट नहीं है इसमें? चलिए पेज नंबर 3। हाँ बोलिए सर, 50 नंबर में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट वर्ड क्यों नहीं लिख रहा है? कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 50। देख ले क्या था है जरा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एट पॉइंट T1 and T2। हाँ, जिसमें इंटरसेक्शन, हाँ यहाँ पर जो है ना टेंजेंट होना चाहिए था, वर्ड छोड़ दिया है यहाँ पर। ये मैंने लिखा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट होना चाहिए, छोड़ दिया यहाँ पर एक बार, ये क्वेश्चन मिस्टेक है। और कोई डाउट किसी को? चलिए आगे देखते हैं। अरे फोटो खींची, ये सब जीके है, ये सब जीके को याद रखना है, ऐसा नहीं कि इतना ही जीके है, और भी जीके है जो आपको पहले पढ़ा दिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला एट द पॉइंट 57। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला एट द पॉइंट, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है a / m² और 2a / m पर, a / m² और 2a / m पर, इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो एट द पॉइंट x1 y1 पॉइंट पर मुझे पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस y1 बटा 2a इंटू x माइनस x1। इसी पॉइंट पर मुझे निकाल देना है, इसको बिठा दें x1 की जगह a / m² और y1 की जगह पर 2a / m, कितना नाम आ जाएगा y माइनस y1, y1 कितना हो गया 2a / m, माइनस y1, y1 का वैल्यू कितना है 2a / m बटा 2a इंटू x माइनस x1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x1 a / m स्क्वायर। अब इसी को सिंपलीफाई कर देंगे उत्तर आ जाएगा, यहाँ का 2a यहाँ का 2a कैंसिल हो गया, अब यहाँ का एलसीएम कितना m, y माइनस 2a माइनस वन बाय एम, यहाँ पर कितना एम स्क्वायर एक्स माइनस ए, ये एम के एम कैंसिल, अब गुना करें एम क्यू वाई माइनस टू ए एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर एक्स प्लस ए, आंसर देखिए कौन सा हो रहा है, एम क्यू वाई इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स माइनस टू ए एम स्क्वायर, यहाँ प्लस होना चाहिए था, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी में देखते हैं, एम क्यू वाई इक्वल टू टू एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स, ऑप्शन सी में जाकर देख लीजिए, एम क्यू वाई इज इक्वल टू टू ए एम स्क्वायर प्लस एम आर एक्स प्लस ए, ये प्लस है माइनस आ रहा माइनस रहेगा, देख लीजिए ऑप्शन। चलिए ये हो गया आपसे, दूसरा तरीका है, मान लीजिए ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, सपोज कीजिए ये याद नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे? सेकंड मेथड, पैराबोला का नाम क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, मुझे क्या निकालना है नॉर्मल, नॉर्मल क्या है एक तरह का लाइन है, नॉर्मल क्या है एक तरह का
एक लाइन में दो चीज होता है, एक पॉइंट और एक स्लोप। क्या होता है? पॉइंट और स्लोप। नॉर्मल किसी ने किसी पॉइंट पर ही खींचा जा रहा है, नॉर्मल किस पॉइंट पर खींचना है वो देखे लिखा हुआ है a by m square और 2a by m, इसी पॉइंट पर मुझे नॉर्मल खींचना है। मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो हमारा जो आंसर होगा वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। मतलब जितने ऑप्शन दिए हुए हैं उन सारे ऑप्शन में एक जगह पर a by m square और y के जगह पर 2a by m लिख करके देख लेने से सेटिस्फाई कर लिया, आंसर होगा नहीं हो सकता है, क्योंकि दो चीज का मिलान करना होगा, पॉइंट का और स्लोप का। ध्यान रखिए, तो एक सही हो गया तो आंसर सही हो सकता है, जब दोनों सही हो जाएगा तो आंसर होगा। और दूसरा स्लोप, तो हम लोग को पता है कि dy by dx का वैल्यू कितना होगा, तो dy by dx का वैल्यू होगा 2a / y। क्यों इसको करेंगे? 2y dy by dx, 2y चला जाएगा नीचे, 2y नीचे आ जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन 4a कट के हो जाएगा 2a / 1। लेकिन नॉर्मल के लिए स्लोप कितना होता है? तो सबको पता है कि -1 by dy by dx होता है, तो क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों आपस से परपेंडिकुलर होते हैं, और दो लाइन आपस से परपेंडिकुलर तभी होगा। यार कहूंगा चले तो यू प्राइज हल्ला किल्ला लेकर कि नहीं, हम कोई प्राइज ना आप बचते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 by dy by dx, देखिए क्योंकि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर तभी होते हैं जब दोनों के स्लोप को गुणा करने से माइनस बना है, और dy by dx को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप हो गया 2 / y, इसका उल्टा होगा और नेगेटिव होगा, मतलब -y by 2a। और यहाँ y ये काम करेगा, x का ये काम करेगा, y का वैल्यू यहाँ रख देंगे 2a by m by 2a, कट गया, मतलब -1 by m। मतलब हमारा जो आंसर होगा उसमें स्लोप कितना होना चाहिए? -1 by m होना चाहिए। हमारा जो आंसर होगा नॉर्मल में उसमें दो चीज का मिलान करना होगा, एक पॉइंट का मिलान करना होगा, एक स्लोप का मिलान करना होगा। आसान क्या है? स्लोप का मिलान करना। तो हमारा जो आंसर होगा उस आंसर का स्लोप कितना होना चाहिए? -1 by m होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन में देखिए स्लोप दिया हुआ है m स्क्वायर, जो कि y इक्वल टू mx, x के बगल में जो है वही तो स्लोप है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा में आइए, दूसरा ऑप्शन से अगर हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ स्लोप हो जाएगा m स्क्वायर / m क्यूब, मतलब m नहीं चलेगा। तो चलेगा क्या? स्लोप होना चाहिए था -1 / m। तो c में जब स्लोप का मिलान करते हैं तो y का वैल्यू देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में एम क्यू वाई इक्वल टू 2a एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स प्लस दिया हुआ है। यहां से अगर y का वैल्यू निकल ले तो x के बगल में जो आएगा वो -1 / m आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हो सकता है, क्योंकि स्लोप का मिलान बैठे बैठे कर लिए। अब हम लोग रिस्क लेके चलते हैं, सर को सी टिक लगा देंगे, आप कहेंगे नहीं सर हम फाइनल लगाएंगे, तो पॉइंट का भी मिलान कर लीजिएगा। यह हो गया जीके की कहानी, खत्म हो गई जो जीके था, और जीके मिलते रहेगा। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में इतना ही जीके, कई जीके हैं, कई फॉर्मूला है, कई जीके हैं, कई फॉर्मूला है जो आपको पहले लिखा दिया गया है, समझा दिया गया है। अब देखिए काहे बार बार आ रहा है जी कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह करके। हाँ किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चलिए नो डाउट सर, 57 में छोड़ा सा है। और एक फोटो की कौन सा 57 में कहाँ पर सर? कोफिशिएंट ऑफ x में प्लस m स्क्वायर है, वहां पर माइनस होना चाहिए सर, लास्ट लाइन सर। एक बार लास्ट लाइन 57
उसी लाइन में सर एम स्क्वायर की जगह माइनस होना चाहिए जहाँ प्लस है तो माइनस तो लिखे तो है प्लस है सर लास्ट माइनस तो लिखे प्लस है ना माइनस प्लस प्लस दिख रहा है सिंपल सी बात है यही तो ये यहाँ जाएगा तो ये प्लस हो गई ये कहाँ से बदला है माइनस तो माइनस ही लिखा हुआ है यहाँ पर कितना लिखा हुआ है यहाँ हाँ तो यार माइनस ही होगा माइनस तो लिखा हुआ है तो सब तो पता चीज हो गया एम क्यू वाई इक्वल टू यहाँ उधर जाएगा तो ये ना पॉजिटिव वही तो जैसा पति रहेगा ना आपको कंफ्यूजन है ये सारे जीके थे जो एक्चुअल में पूछना ही नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी कुछ नालायक लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछ दे रहे हैं अब उन सवाल को देखते हैं जो अपने आप में ये सारे सवाल को हमने बोला बहुत आसान के श्रेणी में दे दिया ये पहले फॉर्मूला था अब दूसरा जो फॉर्मूला से बनने वाला क्वेश्चन वहां देखिए उसको देखते हैं पहले कौन कौन है वो समझिए एक सवाल और 59 उसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन छूट गया था 59 उसके बाद बात करेंगे इफ ए नॉर्मल ड्रॉन टू दी पैराबोला कुछ याद के लिए ये जीके था सिखा चुके हैं कि अगर किसी पॉइंट पी का नाम है T1 T1 पॉइंट पर हमने नॉर्मल खींचा T1 पॉइंट पर हमने नॉर्मल खींचा या पैराबोला को अगली बार जाकर T2 पॉइंट पर मिलता है हमने नॉर्मल कहां पर खींचा P पर या Q पर तो यह फिगर बनाया गया है नॉर्मल है जरूर है एट पॉइंट P है एट पॉइंट Q नहीं है हमने नॉर्मल कहां खींचा नॉर्मल एट पॉइंट P नॉर्मल हमने पी पर खींचा और जाकर के मिला वहां पर मीट एट पॉइंट क्यू पर जाकर के मिल गया सिखा चुके थे पॉइंट पी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल दिए जाकर के क्यू पर मिला तो सेटिस्फाई हो गया था और रिजल्ट कितना आया था यह याद करने का चीज है समझने का स्टाइल खत्म हो गया समझा चुके हैं T2 इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2 है इसी फॉर्मूला पर सवाल है क्वेश्चन 59 इफ ए नॉर्मल ड्रॉन टू दी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इस पैराबोला का नाम क्या था और इस पैराबोला पर हमने नॉर्मल खींचा है कब वो समझिए इसका सवाल मुश्किल मुश्किल 10 सेकंड में बनने वाला है 10 सेकंड में नॉर्मल एट द पॉइंट नॉर्मल किस पर है एट पे और मिलता कहां पर है मीटर स्क्वायर टू अब देखिए यहां पर हमने तो सीखा था कि T1 पॉइंट पर नॉर्मल खींचेंगे तो T2 पर जाकर के मिलेगा तो T1 मतलब यह पैरामेट्रिक फॉर्म है तो यह जो अपना कार्टेशियन फॉर्म इसको हम लोग बोलेंगे पैरामेट्रिक में क्या बोलेंगे तो इसका नाम क्या होता है A T1 स्क्वायर 2 A T1 तो A T1 स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर हो गया A T1 स्क्वायर का वैल्यू हो गया A के बराबर और A T1 का वैल्यू किसके बराबर 2 के बराबर मतलब T1 का वैल्यू कितना हो गया T1 का वैल्यू हो गया 1 2A T1 इज इक्वल टू 2A मतलब T1 इक्वल टू 1 तो इस पॉइंट का नाम हम बोलेंगे एट 1 जो बोलते थे ना T1 पॉइंट उसी का T1 का नाम कितना हो गया 1 यहां पर देखिए ये किसके बराबर हो गया है मिलता कहां पर था T2 पर मिलता कहां पर था T2 पर T2 का मीनिंग क्या होता था
इक्वल वैल्यू हो गया थी। तो आर हम बोलेंगे एस वन पर नॉर्मल खींचे हैं और एस टी पर आकर के मिले तो फॉर्मूला क्या होता था, टी टू इक्वल टू माइनस टी वन माइनस टू बाई टी वन, टी टू का वैल्यू कितना हो गया टी माइनस टी वन, टी वन का वैल्यू हो गया वन माइनस टू बाई वन, फाइनल करके कितना हो गया टी वन। ये जी के है, तो इस तरह से जी के का पढ़ाई खत्म हो गया। अब लोग आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे, इसमें किसी कंफ्यूजन है? हाँ याना बोलिए। सो यस सर, एक बार कंफ्यूजन आ बोलिए कहाँ पर, कहाँ पर ये सर? वो कुछ जैसे यहाँ पर नॉर्मल एट लिखा हुआ ना सर, ए बाय टू ए जगह से टी का वैल्यू जो टी वन का वैल्यू वहां से पुट किया है वहां से सर। अभी हमने सीखा है कि टी वन पॉइंट पर अगर नॉर्मल खींचेंगे और यह नॉर्मल जाकर के टी टू पर मिलता है तो यह रिजल्ट आता था, यह मैं पहले सिखा चुका था, ठीक है। आर मेरा नॉर्मल खींचा जा रहा है इस पॉइंट पर, यह पॉइंट जो लिखा गया यह कार्टेशियन फॉर्म में लिखा गया है, जबकि हम जो रिजल्ट लिखे थे वो पैरामेट्रिक फॉर्म में, मतलब इस पॉइंट को चेंज कर रहा है पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कर रहा है। तो 2a t1 का वैल्यू कितना है 2a, 2a t1 is equal to 2a, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ t1, t1 का मीनिंग हो गया 1। तो आज हम बोलेंगे नॉर्मल इस पॉइंट का नाम इसे बोले या इसे बोले, बात देखिए क्या लगता है। ठीक है सर, यह पॉइंट हो गया कार्टेशियन फॉर्म और यह हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म, तो चूंकि t1 का वैल्यू 1 हो गया। आई बात समझ में, तो दिक्कत है बोलो? नहीं सर, ठीक है। ये पैरामेट्रिक इसी पॉइंट को लिखा जा सकता है, तो यह पॉइंट लिखने का स्टाइल कार्टेशियन और यह पॉइंट लिखने का स्टाइल है पैरामेट्रिक। तो हम जो याद किया पैरामेट्रिक याद किए, तो उसी तरह से यह सवाल अगर कार्टेशियन दिया हुआ है तो हम इसको पैरामेट्रिक में बदलेंगे ना, और पैरामेट्रिक का स्टाइल तो बदलेगा जब टी वन का वैल्यू निकालेंगे, टी वन का वैल्यू कितना गया हुआ। तो आज इस पॉइंट का नाम हो गया वाला जी, पैरामेट्रिक फॉर्म में बोल रहे हैं वन टी है। इसी तरह से इसका ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, इसी को शॉर्ट में अगर बोलना होगा तो पैरामेट्रिक बोला होगा, तो पैरामेट्रिक क्या बोलेंगे, टी बोलेंगे। तो आप बोलेंगे सर कार्टेशियन बोला जाता है, तो हम जवाब देंगे यह ऐसे भी बोला जाता है। क्लियर हो गई बात? कार्टेशियन में जब बोल रहा है तो पॉइंट दो बोला होगा, एक्स वन और वाई वन दो बोल रहा होगा, लेकिन पैरामेट्रिक में जब बोल रहा होगा तो सिर्फ एक बात बोल रहा होगा। आप बोलेंगे पांच, तो क्या यह पॉइंट है, कहां पॉइंट है, लेकिन पांच बोलने का मतलब क्या हुआ? तो इवन का मतलब पांच हो गया, मतलब 25a और 10a। आप जैसे ही बोलेंगे पॉइंट का नाम पांच तो हम समझेंगे क्या 25a और 10a, समझ लेंगे। क्लियर हो गया बात आप? जी सर। तो यह हो गया टी वन का वैल्यू और टी टू का वैल्यू हो गया टी, तो यह रिजल्ट में बैठा देंगे, टी टू रिजल्ट बैठाना था टी वन के जगह पर। अभी कोई कंफ्यूजन आ गया? नो सर। नहीं है? नहीं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 5। हम बार बार बोल रहे हैं कि जिस स्टूडेंट को औकात नहीं है आज के होमवर्क को आज बनाने का, प्लीज हमारी पढ़ाई छोड़ दें। आपको बनाना है बताइए, मैं नहीं बदलूंगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और हमारी शक्ति आपको लगता होगा कि हम कड़े टीचर हैं, आपको लगता होगा कि हम पागल टीचर हैं, आपको लगता होगा कि हम बकलू टीचर हैं, आपको कुछ भी लग सकता है, मैं ऐसा ही हूँ और हम ऐसा ही रहेंगे, मैं नहीं बदलूंगा। इसको दिमाग में अच्छी तरह से बैठा ले, आपको बदलना है आप बदलिए, मैं नहीं बदलूंगा। चलिए आगे देखते हैं। और अभी शक्ति हमारी जो है ना 25% तक नजर आ रही होगी, 1 फरवरी के बाद मेरी शक्ति और बढ़ेगी और वो शक्ति
टेंजेंसी पर सवाल है। एक ही चीज को सर्व भाग दिखाना पड़ता है, बना सकते ही सकता है। अगर मेरी बात समझ में ना आए तब तकलीफ नहीं लगता है, तकलीफ तब लगता है जब आपकी होमवर्क को आप कल करते हैं। और यही कारण समझ में नहीं आएगा, 80% लोगों के पास समस्या यही है, नहीं 95% लोगों के पास यही समस्या है कि आपका होमवर्क आज पढ़ना ही नहीं सीखे हैं, वो पैदा ही हुआ है बात सिखाने के लिए। मेरी बोली बहुत कड़वी है, सुना जाइए, बता दिए ना कि हमारी इसी शक्ति का परिणाम है कि 2018 से पहले जो बहाली हुई थी ना हाई स्कूल में डीजीटी और पीजीटी का, हाई स्कूल प्लस टू में, शायद इंडिया का कोई कोचिंग होगा जो इतना बेहतर रिजल्ट देने में समर्थ है, हमने ये कर दिखाया। और आप भी सफल होंगे, शक्ति रखेंगे तब। ये देखिए कंडीशनल टेंजेंसी बार बार हम सिखा चुके हैं, कई तरीके हैं कॉन्सेप्ट को समझने। ये क्या है, अब देखते हैं लाइन का नाम क्या है, पैराबोला क्या है। पैराबोला का नाम है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए।
देंगे तो y1 निकल जाएगा, और जिस दिन x2 रखेंगे उस दिन a2 y2 निकलेगा, जिस दिन a ग्रुप निकलेगा, a ग्रुप निकलेगा मतलब x का निकलेगा, एक ही को निकलेगा दूसरा नहीं निकलेगा। ये राजीव पांडे कौन है भाई? चलिए आगे देखते हैं। आगे ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपका नाम गलत दिखेगा मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। अभी पते का नाम दिखा है राजीव पांडे, 125 लोगों के बीच में मुझे किसी का नाम नहीं पता है, 125 लोगों के बीच में मुझे किसी का नाम नहीं पता है। आपका रोल नंबर ही मेरी पहचान है, आपने सही तरीके से नहीं लिखा है। मतलब जो राजीव पांडे है वो विदेशी आदमी है, ध्यान रखिएगा, चोरकर आदमी इसको बोलते हैं हम, और इसको चोरकर बनाने में आप ही में से कोई ना कोई सहयोग कराया होगा इसको। हाँ समझ लीजिए बतिया को। तो अगर एक मान निकलेगा एक्स का जगह एक्स वन तो वाई के जगह पर वाई वन, और यहाँ कोई निकलेगा नहीं, बातें नहीं करेंगे। और जब समय दो गो रूट हो गया मतलब दो गो पॉइंट, तो देखिए दो पॉइंट, यह पॉइंट का नाम हो गया एक्स वन वाई वन, और यह पॉइंट नाम हो गया एक्स टू वाई टू। जब दो पॉइंट मिल गया मतलब यह लाइन इस पैराबोला को काट दिया, मतलब इंटरसेक्टिंग, मतलब इंटरसेक्टिंग, ये सब हम दिखा चुके हैं। ए वो निकलेगा, ये देखिए मतलब एक ही निकला एक और वाई वन, मतलब ये टच करने वाला है, मतलब यह टच करने वाला है, और एक भी नहीं निकलेगा मतलब ना तो इंटरसेक्ट करेगा ना तो टच करेगा। Neither intersecting nor touch, ये है कहानी। तो स्पेशल फोकस इस पर किया जाता है। तो कई कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो गए। सब व्यू को यहां बैठाएंगे, अगर x का मान या y का मान एक ही निकलेगा, एक ही वो सिंगल वैल्यू मिलेंगे तो वन लाइन टच करने वाला होगा, और ऐसा कभी हो पाएगा जब बी का मान जीरो होगा। बी का मान जीरो होगा मतलब बी इसके बिना बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी, जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सी इक्वल टू ए बाई एम आएगा। पढ़ चुके हैं दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। यह फॉर्मूला तभी काम करेगा जब यह पैराबोला रहेगा, तब ध्यान रखिएगा यह पैराबोला होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, और ये वाला लाइन होगा तब यही वाला फॉर्मूला काम करेगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात, समय कितना हो गया, लेकिन अब समझने वाली बात है, पैराबोला बदले एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, तो क्या कंडीशन यही रहेगा या बदल जाएगा? बदल जाएगा, लेकिन रूल, ये रूल तो सर रहा है ना, ये सारे सवालों में काम करेगा, यह रूल जो है वो चला रहा है, हर सवाल में निपट ही रहेगा, ये हमारा बदल जाएगा रिजल्ट, आंसर बदल सकता है, प्रोसेस तो वही रहेगा। तो ये बातें समझ गए, इस पर सवाल बताएंगे, ये पहले से पढ़ाया है, बता मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ा, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, अभी तक में कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, पहले फोटो तो खींच ले, पेज सिक्स, कभी कभी पेज लिखने में गड़बड़ियां हो जाती है, आगे देखते हैं। द
का नाम क्या है? x cos alpha plus y sin alpha equal to p. नहीं, क्वेश्चन नंबर 32 ये दूसरा है, पहले 32 है. lx plus my plus n equal to 0. यह लाइन टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है? पैराबोला चाहे y square equal to 4x. यह लाइन किस पैराबोला को टच कर रहा है? पैराबोला सही फॉर्म में है, हाँ सही फॉर्म में है, लेकिन क्या लाइन सही फॉर्म में है? क्योंकि हमने कंडीशनल टेंजेंसी लिखा था y square equal to 4x, ये पैराबोला का नाम है, और लाइन का नाम था y equal to mx plus c. अब जाकर के कंडीशनल टेंजेंसी निकला था c equal to a by m. c कहां से निकलता था? लाइन से. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ c? कचरा. y equal to x के बगल में जो है वो स्लोप है और बाकी जो बच गया तो c है. तो c और m तो लाइन से निकलेगा और ये पैराबोला से निकलेगा. देखिए क्या लाइन सही फॉर्म में है? तो नहीं है. यहां से y का वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा कितना? माइनस l बाई mx माइनस n बाई l. इस पैराबोला के लिए ये वाला लाइन टेंजेंट बनेगा कब? जब c बराबर a बाई m रहेगा. क्या c बराबर? तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ c? तो ये काम करेगा c का कितना? माइनस n बाई l. a का वैल्यू पैराबोला है और m का वैल्यू माइनस l बाई m, तो y चला गया ऊपर में. अब सॉल्व कर लीजिए. ये इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया. n इक्वल टू m, यही आंसर हो गया. हाँ, कहीं गलती कर दी है? c एक मिनट, एक बार कहीं गलती हुई है. c equal y equal to minus l by m. अच्छा, ये minus n by m होगा यहाँ पर ना, m से डिवाइड किया है ना, तो minus n by m होगा. c का वैल्यू, एक सेकंड, गलती हो गई. देखिए c का वैल्यू कितना है? माइनस एन बाई एम इक्वल टू ए, एम का वैल्यू है माइनस एल बाई एम. अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, एल एन इक्वल टू ए एम स्क्वायर, यही हो गया. तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, एल एन इज इक्वल टू ऑप्शन c. तो यह अपने आप में इजी क्वेश्चन है. 32 हो गया. 33 देखिए, x cos alpha alpha equal to p will touch the parabola y square equal to 4 a into x plus a. अब ध्यान दीजिएगा, यह लाइन जो है इस पैराबोला को टच कब करेगा? ये फॉर्मूला पढ़े थे, लेकिन पैराबोला सही रहे तब ना ये है. तो आज यहाँ पर फॉर्मूला कम नहीं करेगा, आज यहाँ पर रूल कम करेगा. रूल तो रूल क्या दिखाए थे? रूल पर हो रहा है. तो इसका वैल्यू जब यहाँ उठाएंगे, जब क्वाड्रेटिक बनेगा, तो d का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा. यही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी था, यही रूल था. तो इस वैल्यू को यहाँ रखें. Y sin alpha बटा cos alpha,
होगा तो इक्वल रूट होगा। अब आगे देखते हैं जरा, कौन है वीडियो सर? क्या वीडियो कौन है सर? उसके बाद दिख रहा है, ऑन ही है मेरा वीडियो। Okay.
चला जाएगा, एक से पास एक से कॉम्पिटिशन चला जाएगा।